एक इन्होंने जंप दिखाई और जंप दिखाने के बाद गिरते हुए नजर आए ऐसा क्या होता हुआ दिखाई दिया क्यों ऐसा होता हुआ दिखाई दिया इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे क्या हम जानेंगे कि ये एक गिरावट एक परमानेंट गिरावट है जैसे यहाँ पर डोजोन्स गिरता हुआ नजर आया था हमें लगातार ओके ऊपर से तो इसी तरीके से क्या हमारा ये निफ्टी भी गिरता हुआ नजर आएगा ओके okay, वो उन्ही सभी सवालों का जवाब हम यहाँ पर एक बार ढूंढते हुए नजर आएंगे देखेंगे एग्जेक्टली मार्केट में चल क्या रहा है क्योंकि यहाँ पर आज भी देखें तो मार्केट ने एक अच्छी खासी शुरुआत गैप अप के साथ दी थी और उसके बाद वो ठहर नहीं पाया जो इसका रेजिस्टेंस था सत्रह हजार के ऊपर वो ठहर नहीं पाया और चुपचाप चीजें क्या चिपचाप चीजें नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दी तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे ओके और हम आप बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए और जो हमारी वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करा रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिले हमने आज से यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर डाली है पिन किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कोर्स की डिटेल्स है वो सब चीज हमने यहाँ पर डाल दी है ओके ये पैम्पलेट भी यहाँ पर हमारा प्रिंट होते हुए आ, आता हुआ दिखाई देगा तो प्रिंट तो यहाँ पर जाके देख लीजिए सब कुछ बेसिक टू एडवांस जो आपको सीखना है ये पूरा का पूरा कोर्स होगा जो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स कंप्लीशन होगा आपको हैंड होल्डिंग दी जाएगी इसके अलावा जो यूज करते हैं ऑनलाइन नोट्स आपको आपको मिलते हुए नजर आएंगे तो एक बेहतरीन चीज पर दी जाती हुई दिखाई देगी इसके अलावा नीचे हमने कुछ सर्विसेज शुरू करी है आप चाहे तो वहाँ पर आप उन सर्विसेज को एनरोल कर सकते हैं क्योंकि काफी लोगों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम मार्केट में हमें रहती है तो यहाँ पर 15 मिनट्स हमसे बात करनी है तो वन ट्वेंटी रुपीज यहाँ पर चार्जेस है

यहाँ पर दिखाई दिया था नैसडेक की बात करें में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप हमें दिखाई दिया है ओके okay, तो क्या यहाँ पर एक परमानेंट अब तेजी आएगी और निफ्टी यहाँ पर इसी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा तो इसी सवाल का हम यहाँ पर आज की डेट में जवाब लेते हुए दिखाई देंगे क्योंकि आज हम देखे तो आज इसने एक अलग लो बनाया बनाता हुआ दिखाई दिया था अगर आप निफ्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसने अलग ही एक लो और बना दिया था कल जो लो था उसके भी नीचे जो कि होना नहीं चाहिए था क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हम अमेरिकन मार्केट को फॉलो करते हैं तो अमेरिकन मार्केट में जंप थी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी मार्केट में भी क्या होनी चाहिए थी जंप होनी चाहिए थी जो हुई भी थी बट वो सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद अगर हम हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट लगातार यहाँ से देखिए गिरती हुई दिखाई दी और अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर गिर के सपोर्ट के आसपास आके दोबारा ठहरती हुई यहाँ पर हमें दिखाई दी है hmm. तो हम इसी चीज से रिलेटेड बातें करने वाले हैं तो इसका पीछे का रीजन क्या था तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें आरबीआई की ओके कल क्या है कल यहाँ पर मीट है ओके रेट हाइक से रिलेटेड भी मीट है तो 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 पर अगर हम देखे, थर्टी आ, ये तो और से है है तो कल के दिन में की एक मीट होने वाली है, ओके जहाँ पर हमारे श्रीकांता दास यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे और वहां पर क्या रेट हाइक से रिलेटेड बातें करते हुए दिखाई देंगे देखिए इंडिया हेड्स फॉर इट्स थर्ड हाफ पॉइंट हाइक एज पर रुपी भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, ओके okay, तो इसलिए जो रेट हाइक होने हैं वो रेट हाइक हो यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे जब रेट हाइक होते हुए दिखाई देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसी के डर के मारे कुछ अलग अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी ऐसा कुछ यहाँ पर आ, कुछ आता हुआ ना दिखाई दे इसी से रिलेटेड यहाँ पर बातें होने वाली है अगर जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें चलती रही तो कल दोबारा मार्केट यहाँ पर स्टार्टिंग तो में थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करे बट जैसे ही ये सब चीज बीतती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर दोबारा एक तेजी आती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर मीट होने वाली है उसे देखेंगे मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे उसके बाद जब ये पूरी की पूरी यहाँ पर स्पीच खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर फिर पता चलेगा कि फिर यहाँ पर उसके बाद मार्केट का अच्छा रिएक्शन आता है इंग्लैंड uh, uh, ने ओके okay? यहाँ पर आप देखेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कुछ यहाँ पर एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है क्या न्यूज आती हुई दिखाई दी है उन्होंने आई थिंक uh, यहाँ पर देखे अनलिमिटेड बॉन्ड परचेज ऑफ स्टेबिलिटी मार्केट तो इन्होंने अनलिमिटेड बॉन्ड परचेज करना शुरू कर दिया है इसी चीज से रिलेटेड अगर हम देखें अच्छे खासा जो मार्केट uh, थी वो यहाँ पर यूएस की ये सारी की सारी भागती हुई दिखाई दी तो अच्छा खासी ये न्यूज थी और ये मार्केट भागती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी भी गिरेगी कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ मार्केट नहीं गिरेगी तो मुझे क्या लगता है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए आज के दिन में दोबारा हम एक बार डोजोन्स देखेंगे शाम के टाइम में तो हमें यहाँ पर अगर ये जो मार्केट रुकी है वो बिल्कुल एक सपोर्ट पे आके रुकी है सॉरी uh, एक रेजिस्टेंस के लिए है ओके okay, और इस रेजिस्टेंस को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी लगेगी कि शायद यहां पर ये जो मार्केट है दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है और बत्तीस का लेवल यहाँ पर अचीव कर सकता है इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करते हैं ये नेस्टेक की तो नेक में भी देखिए जो इसका रजिस्टेंस था ओके okay, उसी रजिस्टेंस ये रजिस्टेंस का साफ नजर आता है सामने तो अगर इसके ऊपर टिकता है ओके okay, तो मार्केट यहां पर अच्छी खासी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देगी और अगर हम बात करते हैं डोजोन्स फ्यूचर्स की तो डोजोन्स फ्यूचर्स से रिलेटेड भी हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट क्या मार्केट यहाँ पर लगभग एक परसेंट के लगभग नीचे चलती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर वो सस्टेन नहीं हो पा रहा तो इसी वजह से ये थोड़ा सा डर है ओके okay, मार्केट लगातार यहाँ पर काफी दिन तक गिरती हुई दिखाई दी है ये सारी बातें चल रही है तो अब थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly मार्केट में क्या चल रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो पा रहा और यहाँ पर लोग बेचते हुए नजर आ रहे हैं एफ आई एस डी अगर हम यहाँ पर डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि एफ की लगातार यहाँ पर इस पूरे महीने में दोबारा सेलिंग होती हुई दिखाई दी है देखिए यहाँ पर लगभग छत्तीस करोड़ का माल बेचा है डी ने यहाँ पर माल खरीदा है यह हम देख सकते हैं तो ये सारी की सारी न्यूज है तो आप देखेंगे थोड़ी बहुत गिरावट हुई है ओके बट यहाँ पर देखिए इसने एक नया लो बना लिया है इस चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान देखना होगा अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो मुझे क्या नजर आता है मुझे नजर आता है ये वाला पॉइंट ओके ये इसके लिए अब एक बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा जैसे सोलह का लेवल इसने तोड़ा तो इसके लिए सपोर्ट क्या बनेगा इसके लिए सपोर्ट बनेगा सोलह का ओके सोलह हजार के आसपास का जो सपोर्ट है वो एक बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा 16,450 के आसपास का तो यहाँ पर अब हमें इस बेसिस पे ध्यान देना है और शायद मंडे को मार्केट रिवर्स हो सकती है ये भी हमें यहाँ पर सोचना चाहिए पॉजिटिव रहना है हमें हम अगर पॉजिटिव रहेंगे और इस गिरावट का फायदा उठाएंगे तो ऑबियसि बात है हमें एक अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाते हुए नजर आएंगे निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी देख लीजिए जो सपोर्ट था उसी सपोर्ट को यहाँ पर टच का ऊपर गया और फिर उसके बाद टच करके वहीं पर ही रह गया तो ना गिरावट हुई ना कुछ कल जो आरबीआई की मीट होने वाली है उसमें हमें सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिड कैप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप भी यहाँ पर इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा बट सस्टेन नहीं कर पाया चुपचाप चीजें नीचे आ गए इसके लिए सपोर्ट क्या है इसके लिए सपोर्ट ये है उनतीस हजार नौ सौ का इसके अलावा हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करेंगे सॉरी ये आवाज आ रही है इसके लिए तो यहाँ पर स्मॉल कैप भी देखिए ऊपर गया ऊपर जाके यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और चुपचाप चीजें क्या आ गई चुपचाप चीजें यहाँ पर दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दी तो यही है मार्केट में आपको पॉजिटिव रहना है ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स उन्होंने यहाँ पर खरीदना है अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर खरीदते रहेंगे मार्केट डूरिंग द टाइम यहाँ पर अच्छी खासी बात नजर आएगी क्योंकि कोई भी चीज लगातार ना तेजी होती है ना गिरावट होती है बट मार्केट का असूल है कि मार्केट को हमेशा क्या करना है ऊपर ही जाना है जब मार्केट को ऊपर जाना है तो बेफालतू के इधर उधर की बातें सुन के बेच देना तो वो ट्रेडर्स का काम होता है इन्वेस्टर्स का काम नहीं होता तो आप डिसाइड कर लीजिए आप ट्रेडर्स है या तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच ब्लॉक